एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिंह 227। तो आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आपको बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो देखिए, ये जो कॉलेज रिव्यू आपको कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है महेश सिंह 227 यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो इस चैनल पे आपको बिहार इंजीनियरिंग हो गए या पॉलिटेक्निक हो गए या BCE बोर्ड से रिलेटेड जितना भी जानकारी है या न्यूज है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, इस कॉलेज का बात कर लेते हैं कैंपस की। तो जो इसका कैंपस जो है, इसके जो पढ़ाई चलती थी पहले, तो वो चलती थी ओल्ड IIT कैंपस पटना में, बट नाउ प्रेजेंट एट बख्तियारपुर। बट इसका जो अभी जो ये बख्तियारपुर में, इसका बख्तियारपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो बन के कम्प्लीट हो चुका है और ये कॉलेज जो है, जो कैंपस है वो बख्तियारपुर में शिफ्ट हो चुका है। तो इस कॉलेज की बात कर लेते हैं एस्टेब्लिश के। तो इस कॉलेज के जो स्थापना हुआ था वो 2016 से 2017 सेशन में हुआ था। और बात कर ले इसका बिल्डिंग स्टेटस की, तो इसका जो बिल्डिंग स्टेटस है वो पूरी तरह बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसका जो वेबसाइट है वो www.bcebakhtiyarpur.org इसका वेबसाइट है। तो देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका ब्रांच की, तो इस पर ब्रांच और सीट डिटेल की। तो इस पर कुल 4 ब्रांचों की इस कॉलेज में पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपको शामिल है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस पर 60 सीटों पर इसकी पढ़ाई कराई जाती है। सेकेंड है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी इसकी 60 सीटों पर पढ़ाई कराई जाती है। थर्ड है आपका सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी इसको 60 सीटों पर पढ़ाई कराई जाती है। और फोर्थ है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसका भी यहाँ पर 60 सीटों पर पढ़ाई कराई जाती है। तो बात कर लेते हैं इस कॉलेज की हॉस्टल कैपेसिटी की। तो इस कॉलेज का जो बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की। और जो फर्स्ट पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए आपको रूम लेके रहना पड़ता है। बट ये टाउन में है थोड़ा, तो आपको रूम मिलना इजीली मिल जाएगा रूम। तो और गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं, तो इसका एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी 150 स्टूडेंट की। तो यहाँ पर गर्ल्स के टोटल गर्ल्स को यहाँ पे हॉस्टल मिल जाती है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अवेलेबल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं इस कॉलेज की। तो इस कॉलेज में आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगा, कंप्यूटर सेंटर मिल जाएगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा, हॉस्टल और मेंस की सुविधा मिल जाएगा, बैंक मिल जाएगा, क्लब मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, आराम से जाओ खा पी कर, आराम से मेंस में खाओ, आराम से जिम करो और अपना जो भी बॉडी शडी बढ़ाओ। देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एडमिशन फ़ी आपको सबसे पहले लगेगा 2510 रुपया, और इसमें डेवलपमेंट चार्ज लगता है इस कॉलेज में वो पर ईयर लगता है आपका 2600 रुपया, और यो है आपका यूनिवर्सिटी फ़ी ये 3260 रुपया लगता है जो आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है। तो अब बात कर ले इस कॉलेज की हॉस्टल एंड मेंस के बारे में, फीस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हॉस्टल एंड मेंस के फीस स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर मेंस चार्ज, यहाँ पर इस हॉस्टल में मेंस चार्ज जो लगता है वो लगता है 38400 रुपये आपको ईयरली देना होगा मेंस के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना होगा 2000 ईयरली। ये सारी चीज़ों आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके। और चलिए, आप नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको JEE मेंस के एग्ज़ाम देना है, और JEE मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद आपको काउंसलिंग कराना होगा BCE बोर्ड के थ्रू। JEE मेंस के एग्ज़ाम होने के बाद BCE बोर्ड अपना फॉर्म रिलीज करता है, उस फॉर्म को फ्लिप करके ऑनलाइन और उसको सबमिट कर देना, वहाँ से आपको काउंसलिंग कराना होगा, फिर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। बट यहाँ पर कॉलेज मिलने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको JEE मेंस में जो स्कोर होना चाहिए वो 75 से 85% स्कोर होना चाहिए JEE मेंस में। और लास्ट आपको बता रहे कि यहाँ पर मिनिमम आपको मार्क्स होना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में वो 45% मार्क्स होना चाहिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, तभी ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस कॉलेज की ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड वर्कशॉप एंड पार्टनर। यहाँ पर वर्कशॉप पार्टनर मतलब कि यहाँ पर जो इंटर्नशिप चलता है वो कौन कौन सी कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पर आती है सबसे पहले स्किल इंडिया आती है, ONGC आती है, यहाँ पे आपको NTPC आती है, इंडियन ऑयल आती है, NTPEL आती है, यहाँ पे CDAC आती है, ये सारी कंपनी यहाँ पे आती है यहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए भी, और ये क्या बोलते हैं इंटर्नशिप के लिए भी। प्री इंस्ट्रूमेंट आपको हो गया,
तो ये सारी कंपनी यहाँ पे आती है। देखिए यहाँ पर कुछ 2020 16 से 20 सेशन वालों को प्लेसमेंट हुआ था, उसका कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा गया है। देखिए यहाँ पे HCL कंपनी में आपको यहाँ पे कुछ बच्चे के हुआ है, जिसका नाम है आयुष कुमार, मैकेनिकल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसी पर के यहाँ पे देखिए सारे बच्चों को प्लेसमेंट यहाँ पर विप्रो कंपनी में कुछ का हुआ है, कुछ का TCS में हुआ है, चिपको कुछ यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इजली इसको देख सकते हैं आप। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अदर फैसिलिटी की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चों को म्यूजिक डांस के लिए यहाँ पर डांस म्यूजिक या डांस क्लब बनाया गया बच्चों के लिए, कंप्यूटर कोडिंग क्लब बनाया गया है, रोबोटिक्स क्लब बनाया गया है, फोटोग्राफी क्लब बनाया गया है बच्चों की सुविधा के लिए, सोशल क्लब बनाया गया है, तो ये आर्ट एंड कल्चरल क्लब बनाया गया, स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया, ये सारी चीज़ों सुविधा यहाँ पर इस कॉलेज में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये कॉलेज जो है TechU3 से अफिलेटेड है। TechU3 मतलब इंडियन कुछ कॉलेज है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं डायरेक्टली, उसका फंडेड इंडियन गवर्नमेंट करती है, तो ये भी उसमें से एक कॉलेज है जो TechU3 में आती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए तो इस कॉलेज में बच्चों के स्किल टेक्निकल स्किल को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। तो देखिए इस कॉलेज के आज इस कॉलेज के बारे में इतना ही, अगर और कुछ इस कॉलेज के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, और ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि इसके नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।